हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। तो बनिए हमारी फैमिली का हिस्सा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि चाहे खबरदार हो या मज़ाकरात, सब पहुंचेगा आपकी न्यूज फीड में। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फिजा में इस्तीफों की बहार का इम्कान, तैयार हो गए अरकान। राणा सना के इस्तीफे पर इसरार, फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में आज होने वाली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल, शहर भर में बैनर्स लगा दिए गए। नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे, जंग में पावर प्लांट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब, वजीर आजम की आमद, पांच में से चार MNA गैर हाजिर। 40-50 नून से भी देंगे, जब असेंबली आधी घर चली जाएगी तो फिर वो जनरल इलेक्शन ही होंगे, जिमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। खाकान अब्बासी खुद बड़े दाव पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी फैसला करना है, क्योंकि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी। 42 MNA के नून लीग को गुड बाय कहने की पेशगोई, शाहिद खाकान पर विकेट के दोनों तरफ खेलने का इल्जाम, वजीर आजम अपनी गुंजाइश निकालने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। शेख रशीद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। शरीफ और राणा सनाउल्ला के इस्तीफे के लिए कोशिशें तेज, शाह महमूद और मुस्तफा कमाल ने ताहिरुल कादरी के मुतालबे की हिमायत कर दी। अवामी तहरीक का सानहा मॉडल टाउन की असर नो तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन और JIT बनाने का मुतालबा। PTI आज शेखुपुरा में रंग जमाएगी, हॉकी ग्राउंड में पिंडाल सजाने की तैयारियां, कारकुनों के भंगड़े, घोड़ों का डांस और आतिशबाजी का मुजाहरा। नवाज शरीफ को जितना माइनस करेंगे उतना ही प्लस होगा, अवाम जमहूरियत की हिफाजत करेंगे, पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 5 साल में मुल्क उजाड़ दिया, एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इतवार को वतन वापसी मुअख्खर, अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। इलेक्शन से पहले फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का मुतालबा, पीर तक देखेंगे, हुकूमत ने फैसला ना किया तो कबालियों को इस्लामाबाद बुला लेंगे, सड़क पर आने की प्रैक्टिस हो चुकी, इमरान खान की वार्निंग। मुत्तहिदा लंदन के कारकुनों की कराची में यादगार शहदा जाने की कोशिश नाकाम, पुलिस का लाठी चार्ज, खातीन समेत कई गिरफ्तार, फारूक सत्तार ने फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। मोहिब वतन बलोचों ने गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी मुस्तरद कर दी, भटके अफराद रजा कराना तौर पर कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं, DGISPR का ट्वीट। सायरा नसीर कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ, हैदराबाद में रिहायश गाह से खून के निशान और टूटे शीशों ने इंक्वायरी का रुख मोड़ दिया, कार में जलाए जाने से पहले कत्ल का शुबा, बेटी की मुदैयत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुकाबला, 5 साल बच्चे की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस, दोनों अगवाकार हलाक,
लाहौर का रिहायशी मुलजिम जहीर मिर्जा आला तालीम याफ्ता निकला। वारदात में किराए पर हासिल की गई गाड़ी इस्तेमाल करने का इंकशाफ। मेरा जवान साल बेटा अपनी जान से गया है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैं तो रिक्वेस्ट अगेन चीफ जस्टिस साहब से करूंगा कि उस पर हमको चाहिए कि एटलीस्ट 100 मोटो नोटिस लें। बंदूक गिराओ किताब उठाओ, कराची में समंदर किनारे फायरिंग से जहां भाग जाफिर जुबैरी के अहले खाना और दोस्तों की सी व्यू पर एहतजाजी वॉक, चीफ जस्टिस से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन, लसबेला से गार्डन तक गैर कानूनी तामीरात मिसमार, फुटपाथ पर रखा सामान जब्त, मजाहमत पर 7 अफराद जेर हिरासत। कैमरा नाकारा, लॉक के बगैर दरवाजा, कहीं गेट कहीं फोन गायब, कराची में एटीएम सार्फीन अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार, बैंक हुकाम ने खाते खोलकर आंखें बंद कर ली, अवाम लुटेरों और हैकर्स के रहमो करम पर। कभी लॉक नहीं लग रहे हुए हैं, कभी वहाँ उधर कैमरे नहीं हैं, फिर वहाँ इमरजेंसी अगर कॉल करनी हो वो भी नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें? एटीएम के ऊपर जो क्राइम के मामला सामने आए हैं, इससे सार्फीन को बहुत ज्यादा अदम तहफ़ के एहसास में मुब्तला कर दिया। उस पर बैंक इंतजामिया का ये कहना कि सार्फ खुद एहतियात करे, तो भाई फिर सार्फ पैसा बैंक में जमा क्यों करवाए? लाहौर के इलाके शेराकोट से 60 साल शख्स गिरफ्तार, 3 मुखबिर लड़के बाजियाब, मुलजिम पर बेघर बच्चों से ज्यादती का इल्जाम। लड़की की कीमत 2 लाख, खैरपुर में 11 बरस की बच्ची का 30 साल शख्स से ब्याह कराने की कोशिश नाकाम, दूल्हा और दुल्हन का बाप गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सिंध के तालीमी इदारों में 22 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां, हुकूमत ने मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दिन भर मुशक्कत, सड़कों पर मेहनत, लाहौर के सर्कुलर रोड पर बैठा 4 बेटियों का बाप फकीर मोहम्मद हुकूमत से मायूस, गरीबों के हुकूक का तहफ्फुज़ करने वाला कोई नहीं, अवाम भी अपने हक से लायल। 10 दिसंबर इंसानी हुकूक का आलमी दिन होता है, तो आप क्या समझती हैं कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं? सबका नेचर अच्छा होना चाहिए। डोंट नो, इंसान के बुनियादी हुकूक क्या होते हैं कि दूसरों का मतलब सबका ख्याल वगैरह रखे बंदा। इतना रश है, इतनी यानी के बदनज़मी है, बस ये हमारे बुनियादी हुकूक है। फलस्तीन में इसराइली फौज की फायरिंग से शहीद अफराद के खून ने मजहमती तहरीक को तेज कर दिया, नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत, अमरीकी सिफारतखाना बैतुल मक़दस मुंतकिल करने का मंसूबा मुस्तरद। इराक से दाइश का सफाया, हुकूमत ने 3 साल बाद हतमी फतह का ऐलान कर दिया, शाम के साथ सरहद पर भी मुकम्मल कंट्रोल। पाकिस्तानी साइकिलिस्ट समर खान ने अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली, एजाज हासिल करने वाली पहली खातून, तंजानिया ने सर्टिफिकेट दे दिया। अनुष्का और कोहली के इटली में ब्याह की तैयारियां, तकरीब आज होगी, सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदारों को शिरकत की दावत। और लाहौर में 3 रोजा ब्राइडल वीक का दूसरा रोज, रैंप पर परियां उतर आईं, सजी सवरी हसीनाएं देखकर शुरुका, पलकें झपकना भूल गए। पाकिस्तानी साइकिलिस्ट समर खान ने अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली, एजाज हासिल करने वाली पहली खातून, तंजानिया ने सर्टिफिकेट दे दिया। अनुष्का और कोहली के इटली में ब्याह की तैयारियां, तकरीब आज होगी, सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदारों को शिरकत की दावत।
लाहौर। लाहौर में तीन रोजा ब्राइडल वीक का दूसरा रोज रैंप पर परियां उतर आईं। सजी सवरी हसीनाएं देखकर शुरुआत पलकें झपकना भूल गए।